जी, मैं डॉक्टर अनीता पुण्यदेव मिश्रा, पिछले साल मिसेस इंडिया दिसंबर में जीती थी और वहां से क्वालिफाई होके मिसेस एशिया इंटरनेशनल पेजेंट में भाग लेने गई थी और वहां पे मैंने जो मेन किताब है वही मिसेस एशिया इंटरनेशनल वो जीती हूँ और उसके साथ साथ मैंने टैलेंट क्वीन का फर्स्ट रनर अप जीती हूँ और मिसेस पॉपुलैरिटी भी जीत के आई हूँ। 24 प्रतियोगी मतलब इसमें पार्टिसिपेट किए थे और कई कंट्रीज मलेशिया से लेके कोरिया से लेके कनाडा तक की मतलब कैंडिडेट्स वहाँ पे आए थे। जो यहाँ पे ब्यूटी कंटेस्ट में किया डांसिंग में मैं कथक करना चाहती थी तो काहे छेड़ मोहित देवदास से मैंने चुना था, लेकिन क्योंकि फॉरेन कंट्री में जजेस सारे फॉरेनर्स थे तो मैंने उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बीच में चम्मा चम्मा का एक मिनट डाला था। 6 राउंड इस कंपटीशन में था, एक इंटरव्यू राउंड था, उसमें करंट अफेयर्स आपके पर्सनल सारे चीजों को पूछा गया था, फिर एक प्री जज राउंड था, फिर एक स्पोर्ट्स राउंड था आपका फिटनेस कितना है वो देखने के लिए, और एक इवनिंग गाउन राउंड था, फिर कॉस्ट्यूम राउंड था नेशनल कॉस्ट्यूम जिसमें मैं पार्वती देवी बन के गई थी, और एक टैलेंट राउंड था जिसमें मैंने डांस किया था। 6 राउंड्स थे। आपको 3 अवार्ड्स मिले हैं, एक तो मेन जो अवार्ड है मिसेस एशिया इंटरनेशनल वो मिला है, उसके साथ साथ टैलेंट क्वीन का फर्स्ट रनर अप मिला है और मिसेस पॉपुलैरिटी मिला है। ये श्रेय मिसेस पॉपुलैरिटी 100% श्रेय गोंडावासियों को देंगे क्योंकि उन्होंने ही मुझे वोट दिया था, वो सोशल मीडिया फेसबुक और इंस्टा के वोट के आधारित था और सारे गोंडावासी ने बढ़ चढ़ के लाइक कमेंट शेयर इसको किया था जिस वजह से मुझे मिसेस पॉपुलैरिटी मिला। और टैलेंट हंट के लिए मैंने मतलब बहुत परिश्रम किया था, 3 महीने से उसके लिए डांस के लिए प्रैक्टिस किया था, और बाकी नेशनल कॉस्ट्यूम मैंने बहुत दिमाग लगा के क्योंकि मैं बहुत ही महाकाल का भक्त हूँ और इस वजह से मैंने पार्वती का रोल किया था। मैडम आप यहाँ एक महिला डॉक्टर बोल रहे हैं जी, सुबह से लेकर शाम तक आप मरीज देखते रहते हैं, परिवार भी देख रहता है, आप डांसिंग करती हैं, कैसे कहावत है की वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो मैं सोचती हूँ अगर आपके अंदर जज्बा है कुछ बनने का तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं जब मरीज देखती थी तो मैं मरीजों के साथ रहती थी और जब 4 बजे मेरा ओपीडी खत्म होता था उसके बाद मैं डांस प्रैक्टिस करती थी और बाकी कॉस्ट्यूम के लिए बहुत मैंने मतलब सोशल मीडिया में सारे ऑनलाइन सब सर्च करके एक देवी जी का कॉस्ट्यूम था वो बहुत लोगों ने प्रशंसा किया वहाँ पे, भले हमको कॉस्ट्यूम में प्राइज भले नहीं मिला लेकिन